है न्याय की राहें तो देखते रहिए तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में स्थित एलाइट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ने अपना वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली पुलिस उपायुक्त डॉक्टर अजीत कुमार सिंगला, एसीपी खजूरी खास रजनीकांत, सोनिया विहार थाना अध्यक्ष दया सागर व पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के पुत्र युवा नेता मुदित अग्रवाल के साथ राजकुमार जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया और स्कूली छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना के साथ किया। इस वार्षिक उत्सव में स्कूल के बच्चों के द्वारा नृत्य वंदना और संगीत की शानदार प्रस्तुति दी, जिसमें बच्चों ने नवरस के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर मुख्य अतिथि मुदित अग्रवाल ने स्कूल के मैनेजमेंट एवं बच्चों का इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने पर आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ अभिभावकों को यह संदेश भी दिया कि शिक्षा के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है। बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, बच्चों को मैं हमेशा जहाँ भी मिलता हूँ ये कहता हूँ, ये उनके जिंदगी के सबसे अच्छे साल है, ये अच्छे सबसे अच्छे दिन है, इनको खूब इनको एंजॉय करना चाहिए। जितना वो पढ़ाई करें उससे ज्यादा उनको मस्ती करनी चाहिए। और पेरेंट्स को मैं जरूर कहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई तो करवाए, साथ साथ उनको थोड़ा मनोरंजन का समय भी दें, कि दोनों पढ़ाई भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है। हमारा विद्यालय जो है ऐसे क्षेत्र में है, इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पर जो बच्चों ने परफॉर्म किया है वो इतना अच्छा किया है, जो बच्चे स्कूल विद्यालय चला रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो यहाँ पर पेरेंट्स साथी हमारे भी आए हुए हैं, रिटायर टीचर, हम अध्यापक, आज से नहीं हमारे पिताजी भी अध्यापक थे, तब दिल्ली में बहुत कम टीचर हुआ करते, तो हमने ये सोचा सोनिया विहार एक पिछड़ा इलाका है, हम उसमें एक विद्यालय बनाए और यहाँ के लोग वो को इतना लाभ मिले जो रिसेटलमेंट कॉलोनी है उनसे ज़्यादा, यहाँ पर अच्छे बच्चे हैं, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं बहुत शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं, हमारा पूरा ये जोर रहता है, पूरा ये रहता है कि उनके बच्चों को हर किस्म की हर तरीके की, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे वो किसी भी करिकुलम एक्टिविटीज़ में हो, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। सिर्फ किताबी शिक्षाएँ हमारे लिए आवश्यक नहीं, अदर एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम पूरा पूरे सोनिया विहार में पूरे ईस्ट दिल्ली में मैं कहना चाहता हूँ टॉप वन स्कूल, नंबर वन स्कूल है, और हमारी पूरी मेहनत इसको आगे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने की रहेगी। और मैं आप सभी का धन्यवाद करूँगा, इन सभी पेरेंट्स का जिन्होंने टाइम निकाला अपने बच्चों के लिए जो आए यहाँ पर, और धन्यवाद। बच्चों ने नवरसों के आधार पर सांस्कृतिक एवं धार्मिक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि स्कूल की मासूम छात्रा नृत्य करके और रिद्धि रावत ने मंच से खुद अपने पिता के लिए गाना गाकर उपस्थित जनसमूह की आंखें नम कर दी। उनकी प्रस्तुति देख उपस्थित जनसमूह ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। यही नहीं, इसी के साथ स्कूल प्रबंधक समिति के नवीन कुमार ने उनके माता पिता को भी मंच से सम्मानित किया। एजुकेशन के लिए जाना जाता है और इस स्कूल से मेरा बहुत पुराना नाता है, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो बिल्कुल अपनापन सा लगता है, जैसे लगता है कि इसने इतने पिछड़े एरिया में सोनिया विहार जैसे क्षेत्र में इतने अच्छे बच्चे हैं, मैं खुद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये साउथ दिल्ली का बच्चा तो नहीं है। तो ऐसे स्कूल के किसी एनुअल डे में अगर मैं एज ए आर्टिस्ट एज ए एंकर जुड़ता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है, और खासतौर से जो कोरियोग्राफर है और यहाँ के टीचर और मैनेजमेंट बिल्कुल कमाल का डिसिप्लिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजिक में सबसे पहला स्थान सिंगिंग को दिया जाता है, जैसे हमने मैंने म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया है एंड अभी मेरा परसुइंग एमए चल रहा है, एंड मैं म्यूजिक टीचर भी हूँ और लाइव परफॉर्मर भी हूँ, एंड डीडी नेशनल तक मेरा प्रोग्राम आ चुका है और आगे स्टार प्लस में भी ZTV में भी मेरा चांस है, तो आई होप आप मेरे को वहाँ पे भी देखेंगे। बट मैं म्यूजिक में ये कहना चाहता हूँ कि म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, सबसे पहला स्थान गायन को दिया गया है। इस अवसर पर नवोदित गायक नीतीश शर्मा ने गायन की प्रस्तुति देकर समा बांधा। इस मौके पर इलाके की जनता, भारी संख्या में अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यमुना पार के इन इलाकों में भी लोग अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हैं, जो भविष्य के लिए एक अच्छे संकेत हैं। दिनेश सोलंकी की रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली।
है।